वो नीला कौन है? सारण। बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कब हुआ? 30 अप्रैल 2022 को। बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 17%। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र दीदारगंज पटना। अब ये MCQ के फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये पॉइंट के फॉर्म में है, तो इसको आपको ऐसे याद कीजिए। बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25,000 देने की घोषणा हुई है? CM बालिका प्रोत्साहन योजना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुकी है, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। 25 करोड़ कार्य दिवस। बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27.26 करोड़ कार्य दिवस की मांग की थी। दिसंबर 2022 से कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया। ये कितना मेगावाट क्षमता का है? 250 मेगावाट। कजरा सोलर पावर प्लांट लखीसराय में स्थित है, ये याद रखिएगा, लखीसराय। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। 14 दिसंबर 2022 में जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में पांचों बिहार के। इसमें पूर्णिया को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है, पूर्णिया। 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार क्राफ्ट फेयर चेन्नई। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का स्थान 4th, जबकि पहला स्थान तेलंगाना का। दिसंबर 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 559 करोड़। कुल 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ। हर खेत का पानी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान था। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद कारखाना बरौनी में बनाई गई। खाद कारखाना कहाँ बनाई गई? बरौनी में। इसको आप वीडियो को देखिए और साथियों के साथ इंटरैक्शन भी कर सकते हैं, इन बिंदुओं पे बार बार सुनिए। बरौनी खाद कारखाना प्रति वर्ष 12.7 लाख मैट्रिक टन यूरिया का उत्पादन कर लक्ष्य रखा गया। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एमानुद्दीन अमानुल्ला सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए। संजय करोल और एमानुद्दीन अमानुल्ला। 12 दिसंबर 2022 के बिहार के कैबिनेट के फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कितने जुर्माना का प्रावधान किया गया है? 5,000। इसके लिए बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में G20 से संबंधित एक बैठक का आयोजन 6 से 7 मार्च 2023 के
बीच किया। हाल ही में बिहार के किस जिले में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज हुई है? दलहनी में, भागलपुर में। पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किए जाने की घोषणा की गई है? पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जून 2025 तक। 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच कहां किया गया? महाबोधि मंदिर, गया। अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक, त्रिपिटक जानते हैं, बौद्ध धर्म का की पुस्तक है। इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा कराया गया, इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया? गांधी मैदान, पटना। दिस इज पटना। प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ। कहाँ है महाबोधि मंदिर? ये गया में। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023। इसकी अवधि है अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक। कृषि रोड मैप, ध्यान रहे, अवधि है अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक। इस कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरिंग फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी, पटना कॉलेज। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? 7 जनवरी 2023। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी और दूसरे चरण की गणना 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। पहले चरण में मकान के नंबर दिए जाएंगे और घर के मुखिया का नाम लिया जाएगा। इसको सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरशेर गांव में एक क्लिक कर किया। वैशाली के हरशेर गांव में, हरशेर। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? वाल्मीकि नगर, बेतिया, पश्चिमी चंपारण।